कुछ समझ ना आए तो हरि हरि का उच्चारण करो। जिव्याग्रे वर्तते हरिति अक्षर द्वयम्, जिव्या के अग्रभाग पर इसे संभाल के रखिए भगवान के नाम को। बहुत ही आनंद है ये कहते हुए, अष्टोत्तर शत से भी अधिक यहाँ पोथियाँ, ये भागवत के विग्रह का पूजन अर्चन आप करते रहे। प्राय ये सारे यजमान ही हैं, इन यजमानों के द्वारा ये पूजा होती रही। आप कितने भाग्यशाली हैं कि द्वारिका में आपको कथा यजमान बनने का अवसर मिला। आप महाभाग्यवान, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके पुण्य कैसे। भारत के सबसे बड़े महापुरुष, भारत का प्रत्येक संत, भारत के सब आचार्य, भारत के संप्रदायों के सभी आचार्य जिनके चरणों की पूजा करते हैं, ऐसे भगवान हमारे बीच में बैठे हैं। उनका आगमन आप जानते हो, उन्होंने क्या किया? वो ऐसे पोथी को प्रणाम, वो किस ढंग से व्यास को नमित होकर साष्टांग प्रणाम, ये कभी गर्व से भरा हुआ हमारा मस्तक किसी को प्रणाम करेगा ऐसे? क्या कुछ भी नहीं सीखेंगे हम महात्माओं से? क्या इतना भी नहीं सीखेंगे कि बड़ों को प्रणाम किया जाता है, शीश झुकाया जाता है? इस समय भारत की सर्वोच्च सत्ता, धर्म की, अध्यात्म की, और उस सत्ता उसकी पीठ पर एक कोई पीठाधिपति है, एक कोई परम पुरुष परमाचार्य, और वो इस ढंग से भागवत को शीश नवाए, इससे बड़ा सदाचार इस धरती पर कोई सिद्ध नहीं कर सकता। हम सब ये सीखें उनसे, बड़े जीवन में इसलिए आते हैं, कुछ वो सिखाते हैं, कोई प्रेरणाएं देते हैं। महाराज ये प्रेरणा के पुंज हैं, उन्होंने सत्य की बात कही तो मैं सत्य की ओर ही निकलता रहा। भागवत का जो पहला श्लोक है वो सत्य से ही आरंभ होता है, और मध्य का और अंत का भी, सत्यम परम धीमहि सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना अथवा सच्चिदानंद रूपाय। बड़ा ही मंगल हुआ पूज्य महाराज के आगमन से। कथा में और भी तरह से कथा कही जा सकती थी, बहुत सी विधाएं, पर मेरे अंतःकरण की कुछ ऐसी बातें, मैं उनसे नियंत्रित रहता हूं। अभ्यास तो कहीं से नियंत्रित होता है, कोई सत्ता उसे संभालती है, कोई सत्ता उसे अपने नियंत्रण में रखती है। हम सभी तो सुदामा हैं, ज्ञान की दृष्टि से, वैराग्य की दृष्टि से, कई बार धन की दृष्टि से भी, पर जो धाम अभाव का नाश करता हो वो धाम द्वारिका धाम है। हमने ये कथा रानियों को सुनाई थी, रुक्मणी को, सत्यभामा आदि को, उनके माध्यम से भगवान तक पहुंचाई थी।